Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel English Deep Edu, and in this video we are going to tell you line wise meaning of the text of A Letter to God written by GL Friends. This is the first chapter of NCERT books in English of 10th class. तो आज हम आपको 10वीं क्लास का जो पहला पार्ट है, पहला जो लेसन है A Letter to God, उसका आज हम हिंदी मीनिंग बताने जा रहे हैं. तो सीधे टेक्स्ट से शुरू करेंगे. So the text begins here. The house, the only one in the entire valley. So the line is the house, the only one. एक मकान था, the only one, एकमात्र एक मकान था, in the entire valley. E-N-T-I-R-E, entire, entire valley, पूरी घाटी में. Entire means completely, whole. The house, the only one, कह रहा कि एक मकान था, पूरी वैली में. पूरी वैली में केवल एक मकान था. सेट ऑन द क्रेस्ट, जो क्रेस्ट माने चोटी, जो चोटी पर स्थित था, टॉप, यू कैन से टॉप. सेट ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी के टॉप पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, तो कोई भी क्या देख सकता था, रिवर देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. राइप, रॉ का जो अपोजिट होता है, आर ए डब्ल्यू, रॉ, कच्चा, राइप माने पकी हुई फसल. सो वन कुड सी, तो कोई भी देख सकता था वहाँ से रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पकी हुई फसल को. डॉटेड विद द फ्लावर, जो बिंदु के रूप में, जो उसके फूल थे, उसमें फूल आ चुके थे, मतलब फसल पक चुकी थी और उसमें फूल आ चुके थे, जो डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में दूर से दिखाई देते थे. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा वादा करते थे कि इस बार कैसी फसल होगी, एक बार इस बार अच्छी फसल होगी. हार्वेस्ट मिस होता है जो फसल कटने के लिए तैयार है, पक चुकी है. तो जो वादा करती थी कि मतलब इस बार एक अच्छी फसल होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक चीज़ थी जिसकी अर्थ को नीड थी, मतलब धरती को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उसके खेतों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी, केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो जो डाउनपोर. डाउनपोर मिस होता है भारी बारिश, हैवी रेनफॉल, और एटलीस्ट शावर, या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती, तो इसकी आवश्यकता थी उसके खेत को. या तो भारी बारिश हो जाती, भारी बारिश नहीं तो कम से कम अगर शावर भी हो जाती तो उसके खेत का काम चल जाता और अच्छी फसल हो जाती. थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट पूरी सुबह, ऑल द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू, लेंचो जो जानता था अपने फील्ड्स को, अपने खेतों को, इंटीमेटली का मतलब है क्लोजली, बहुत ही घनिष्ठता से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने खेतों को जानता था वो. हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल जो उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो स्काई आ रहे थे, स्काई जो था, सॉरी, आकाश की तरफ को वो देख रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, तो उसने अपने घर की एक औरत से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, इस बार हमें अच्छा पानी मिल जाएगा, इस बार अच्छी बारिश हो जाएगी. उसने अपनी घर की एक महिला से कहा, नाउ वी आर रियली, उस अपनी पत्नी से, नाउ वी आर रियली गेटिंग गोइंग टू गेट सम वाटर, तो उसने कहा कि हम इस बार शायद ये अच्छी, मतलब अच्छी बारिश हो जाएगी, अच्छा हमें पानी मिल जाएगा खेतों के लिए. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत वहाँ पर सपर बना रही थी, एस यू डबल पी आर, इवनिंग लाइट मील, शाम का हल्का भोजन. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, औरत जो वहाँ पर सपर बना रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहेगा तो ऐसा ही होगा, मतलब अच्छी बारिश हो जाएगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, जो आयु में बड़े थे लड़के, वो फील्ड में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, अपने घर के पास खेल रहे थे. अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक उस घर की औरत ने, मतलब उसकी पत्नी ने, उन लोगों को नहीं बुलाया, तब तक वह बाहर खेल रहे थे. कम फॉर डिनर, उसने कहा डिनर के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और खाने के दौरान, मील मतलब फूड, दैट, तो ये खाने का समय था. जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले प्रिडिक्ट किया था, जस्ट एज लेंचो प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बड़ी बूंदें थी बारिश की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, तो बारिश शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स,
could be seen approaching. In the northeast, northeast की तरफ को, उत्तर पूर्व की तरफ को, huge mountains, बड़े बड़े जो पहाड़ जैसे जो बादल थे, बड़े बड़े विशाल बादल clouds, could be seen approaching, उन्हें coming near, approach, coming near, पास आते हुए देखा जा सकता था. The air was fresh, हवा ताजी थी, and sweet, और मधुर थी. The man went out for no other reason, तो एक आदमी बिना किसी कारण के, then to have the pleasure for of the feeling of the rain on his body, तो वो to have pleasure, वो आनंद लेने के लिए चला गया, on feeling the rain, बारिश को feel करना चाहता था, on his body, अपने शरीर पर. तो बारिश का आनंद लेने के लिए, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए, वह बिना किसी कारण से वह बाहर चला गया. तो कोई अन्य कारण नहीं था, वो केवल बाहर गया केवल बारिश का आनंद लेने के लिए. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौट कर आया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने एक्सक्लेम किया, मतलब विस्मय के साथ, सडन फीलिंग जब आती है सरप्राइज के साथ, तो उसने विस्मय में कहा, या उसने सरप्राइज में कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइंस, ये तो नए सिक्के हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वाई डिड लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स टू कॉल न्यू कॉइंस, तो लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा, ये पूछा भी जाता है. द रीजन इज दैट हिज फील्ड नीडेड गुड रेन बिकॉज हिज क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट, एंड इफ इट रेन्स गुड, इट विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर हिम, दैट इज वाई ही कॉल्स द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस. क्योंकि अगर बारिश अच्छी होती तो उसकी फसल अच्छी होती, और फसल अच्छी होती तो अच्छा खासा पैसा कमा लेता, इसीलिए उसने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. उसने कहा कि ये जो बड़ी बूंदें गिर रही हैं बारिश की, ये 10 सेंट के बराबर हैं, और जबकि जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 सेंट के बराबर. सेंट एक तरह से करेंसी, जैसे रुपए होता है उसी तरीके से पुरानी मुद्रा सेंट. तो 10 सेंट जो हैं वो 10 सेंट हैं, 10 सेंट जो हैं बड़ी बूंदें हैं, और जो छोटी बूंदें गिर रही है वो 5 सेंट के बराबर महत्व रखती हैं. तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर बड़ी बूंदें हैं, बड़ी बूंदें ज़्यादा फ़ायदा करेंगी उसके खेत को, और जो छोटी बूंदें हैं वो थोड़ा कम फ़ायदा करेंगी, इसीलिए उसने बड़ी बूंदों को, बारिश की बड़ी बूंदों को 10 सेंट कहा, और जबकि छोटी बूंदों को 5 सेंट कहा. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो बड़ी सेटिस्फैक्शन, मतलब बहुत ही संतुष्टि के भरे एक्सप्रेशन के साथ, अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ, उसने सोचा, उनने माना कि जो फील्ड है राइप कॉर्न का, पकी हुई फसल का, विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल आ चुके हैं, ट्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, उसे ऐसा लगा कि मानो कि पूरा जो खेत है वो बारिश के पर्दे से ढक गया है. ट्रैप कवर्ड होना, कवर्ड हो चुका है विद अ कर्टेन ऑफ रेन, रेन के, बारिश के पर्दे से, बारिश वर्षा के आंचल से वो ढक चुका है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से जो तेज हवा थी वो बहने लगी, एंड अलोंग द रेन वेरी लार्ज, और जो बारिश थी, बारिश के साथ हेल स्टोन्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, ठीक है, ओले गिरने लगे. बारिश हुई शुरुआत में, लेकिन तो उसके बाद अचानक से तेज़ हवाएं चलने लगी, तूफान आ गया, और उसके बाद जो बारिश थी वो ओलों में बदल गई. दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल, तो दिस ट्रूली डिड रिजेम्बल, रिजेम्बल मिस होता है लुक लाइक, तो ये जो वास्तव में जो ये सब था वो रिजेम्बल कर रहा था, रिजेम्बल मिस होता है की तरह दिखना, वह नए चांदी के सिक्कों की तरह दिख रहा था. तो क्योंकि जो ओले होते हैं उनका कलर चांदी सफ़ेद होता है, वाइट होता है, तो यहाँ पर ओलों की तुलना सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्कों से की गई है, चांदी के सिक्के के समान दिखते हैं वो. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, तो जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, खुद को बाहर ले आए, एक्सपोज किया उन्होंने, बाहर आ गए वो भी, टू द रेन, उस बारिश में, रेन आउट टू कलेक्ट, दौड़ कर बाहर आए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोती, या कहें फ्रोजन पर्ल मोती, कि जमे हुए मोती किसके लिए वर्ड यूज हुआ है,
जो ओले हैं उनके लिए फ्रोजन पर्ल का इस्तेमाल किया गया। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो ने कहा, एक्सक्लेम्ड द मैन, जो आदमी था उसने बड़ी दुख भरी फीलिंग के साथ कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड विस्मय में कहना, अचानक से जब कोई फीलिंग आती है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। ओले गिरते रहे फॉर एन आर, कम से कम एक घंटे तक। हेल रेंड ऑन द हाउस, जो ओलावृष्टि थी उसके घर पर होती रही। द गार्डन, जो गार्डन था, बगीचा था, द गार्डन द गार्डन द हिल साइड द कॉर्न फील्ड, तो उसका जो खेत था, हिल जो थी, पहाड़ी जो थी, और कॉर्न फील्ड, और जो उसका जो बगीचा था, हिल जो थी, और जो फसल का जो मैदान था। ऑन द होल वैली, और पूरी जो वैली थी, उसकी पूरी जो घाटी थी जिस घाटी में वो रहता था। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो चुका था। एज इफ, मानो कवर्ड विद सॉल्ट, कि मानो नमक से ढक गया हो। तो क्योंकि ओले सफ़ेद होते हैं, तो ओले पूरी तरफ से सारे जगह पर, उसके पूरे खेत में ओले गिर चुके थे, ओले से पूरी फसल ढक चुकी थी। तो ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने नमक डाल दिया हो, नमक से कवर्ड हो चुका था वो, नमक की तरह लग रहा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, कह रहा कि एक भी पत्ता जो था फसल में, पेड़ पर नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, उसकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी जो वो दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म गुजर गया, तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में आया और बीच में खड़ा हो गया। उसने अपने सैड टू हिज सन्स, और उसने अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट डस वुड, तो जो प्लेग होता है, प्लेग का मतलब संक्रामक या महामारी को कह लीजिए। लोकस्ट डस मिस है टिड्डी, जो ग्रास होपर होते हैं। तो टिड्डियों, ग्रास होपर का जो ग्रुप होता है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है, छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। तो उसने अपने बेटे से कहा कि अगर टिड्डियों का भी आक्रमण जो होता, टिड्डी भी जो होती हैं, टिड्डियाँ जो होती हैं खेतों को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं, फसल को खा देती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोड़ देती हैं। इसलिए उसने कहा कि टिड्डियों का जो समूह होता है वो भी कम से कम कुछ छोड़ देता है, लेकिन इस ओलों ने तो कुछ भी खेत में नहीं छोड़ा, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस बार, इस साल हमारे पास कुछ फसल नहीं होगी। एंड दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, आज की रात बहुत ही सोरोफुल होगी, दुख से भरी होगी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, आज हमारे पास काम करने का कुछ नहीं है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर पाए। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम भूखे ही रहेंगे। ओके तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज़ की आशा थी। लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, लेंचो को एक अच्छी फसल की आशा थी। व्हाई डिड लेंचो से, लेंचो क्यों कहता है। रेन ड्रॉप्स वर द न्यू कॉइंस, लेंचो ने जो रेन ड्रॉप थी उनको न्यू कॉइन क्यों कहा। न्यू कॉइन इसलिए कहा था क्योंकि उसके फसल, उसके जो खेत को, खेत उसकी जो फसल थी, बिकॉज हिज क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट एंड हिज फील्ड वॉज, हिज फील्ड नीडेड सम रेन, दैट इज वाई ही कॉल्ड द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइंस, बिकॉज इफ देयर वॉज गुड क्रॉप ही, इट विल ब्रिंग गुड प्रॉस्पेरिटी। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन किस में बदल गई थी, रेन चेंज इन टू हेल स्टॉर्म, हेल स्टोन्स। एंड वट हैपन्ड टू लेंचोज फील्ड, द लेंचोज फील्ड कवर्ड विद हेल स्टोन्स एंड इट टोटली डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, तो इस पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था। वट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की फीलिंग कैसी थी। लेंचो बहुत दुख से भरा था जब उन्हें, जब बारिश, जब ओलावृष्टि, जब ओले रुक गए थे, ओले की बारिश रुक गई थी, तो वो बहुत ही दुख से भरा था। तो वट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो वॉज फील्ड विद सैडनेस वैन द हेल स्टॉप्ड एंड बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल
who lived in the solitary house in the middle of the valley. Lekin, but in the heart of all, lekin sabhi ke dilon mein, who lived in that solitary, jo us solitary, solitary means hota hai, solitary, solitary, solitary means ekant, jahan koi nahi rehta hai. Lekin keh raha hai ki, but in the hearts of all, lekin us sabhi ke dilon mein, us ekant ghati mein, ekant makan mein, in the middle of the valley, jo keval ek matra makan tha, us puri ghati ke beech mein, there was a single hope, help from God, केवल एक ही उम्मीद बची थी, वो थी भगवान से मदद. Don't be so upset, उसने कहा कि निराश मत हो. Even though it this seems like a total loss, बस तो ऐसा लगता है एक नजर में कि मानो अब कुछ बचा ही नहीं है, पूरा नुकसान हो चुका है. Remember, no one dies of hunger, लेकिन ये भी बात याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है. That is what they say, ये उन लोगों ने कहा. No one dies of hunger, सभी लोगों ने कहा हाँ कोई भी भूख से नहीं मरता है. All through the night, पूरी रात भर, लेंचो thought only of his hope, one hope, तो लेंचो ने रात भर केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचते रहा. वो एक आशा जो बची थी वो थी help of God, भगवान की मदद. Whose eyes, जिसकी जो आंखें हैं, as he had been instructed, जैसा कि वो सब चीज़ें चलाती रहती है, सबको निर्देशित करती रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है. See everything, और सब कुछ देख सकती है, जिसकी आंखें भगवान की आंखें. इवन वट इज डीप, यहाँ तक कि किसी की गहराई में. इन वंस कंसाइंस, किसी के अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो उसके अंदर भी झांक सकती है. तो उन्हें उसको केवल अब एक आशा बची थी, वो थी भगवान से मदद, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, और वो यहाँ तक कि वह किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में भी झांक सकती है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, बैल जैसा आदमी था. बैल जैसा आदमी इसलिए था क्योंकि वो हार्ड वर्क करता था अपने खेत में. तो लेंचो एक बहुत ही कठोर परिश्रमी किसान था. वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर की तरह काम करता था अपने खेतों में, इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उसको कम से कम लिखना तो लिखना पढ़ना आता था थोड़ा बहुत. द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, तो सुबह भौं फटते ही. डे ब्रेक का मतलब होता है जब आप कह सकते हैं जैसे जब सुबह होती है, जब सूर्य नहीं निकला होता है फिर भी उजाला हो जाता है, उसे वो डे ब्रेक कहलाता है. सुबह होते ही ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उनने पत्र लिखना शुरू किया. विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो खुद ले गया, टाउन गया उसके बाद लिखने के बाद. एंड प्लेस इन द मेल, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये और कुछ नहीं था बल्कि एक पत्र था जो भगवान को लिखा गया था. उन्हें भगवान को एक पत्र लिखा अपनी मदद करने के लिए. गॉड, उनने लिखा क्या, गॉड ही रॉट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रह जाएगा. आई नीड 100 pages, मुझे 100 pages की ज़रूरत है. इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों को मैं सो माने बोना, बीज बोने के लिए. एंड टू लिव अनटिल, और जीने के लिए, कि जब तक अगली फसल पक के तैयार नहीं होती है तब तक जीने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है. बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, क्योंकि जो ओलावृष्टि हुई, जो ओलों की जो बारिश हुई हुई, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया. ही रॉट, उसने लिखा, ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, उनने एनवलप में लिफाफे पर नाम डाला. टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर रखा. एंड स्टिल ट्रबल, और फिर भी वो बहुत परेशान था. वेंट टू द टाउन, वो टाउन गया. एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस द स्टैम्प, पोस्ट ऑफिस जाकर उसने एक स्टैम्प लिया, एक स्टैम्प मतलब एक डाक टिकट को लिया. ऑन द लेटर, लेटर पे लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स पत्र पेटिका में डाल दिया, जिसमें लेटर्स को डाला जाता है. वन ऑफ द एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज, उनमें से एक एम्प्लॉयज ने, वन ऑफ द एम्प्लॉय, तो उनमें से एक कर्मचारी ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था. एंड ऑल्सो हेल्प्ड द पोस्ट ऑफिस, और डाक घर में मदद किया करता था. वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया. लाफिंग हर्टिली, बहुत ही ज़्यादा दिल से खुश होते हुए, बहुत ही ज़्यादा मन से हंसते हुए. शोड हिम, और उसने दिखाया उसे, द लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा पत्र. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, अपने पूरे पोस्टमैन के करियर के दौरान, हैड नोन दैट एड्रेस, उसने कभी इस प्रकार के एड्रेस का नाम नहीं सुना था. पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, और पोस्ट मास्टर एक मोटा एमिएबल, एमिएबल माने होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत ही ज़्यादा दोस्ताना वाले स्वभाव वाला व्यक्ति था.
फेलो तोन ने कहा ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और जब उसने भी उस पत्र को देखा तो वो भी ठहाके लगा के हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह सीरियस हो गया। इमीडिएटली तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। पहले तो हंसा जब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को देखा, लेकिन फिर वो तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को पटका ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, कमेंटेड और टिप्पणी करी, और ये कहा उसने, व्हाट फेथ, वाह क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता हु रॉट द लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गॉड, और जिसने भगवान के साथ पत्राचार शुरू किया। कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार, पत्र का आदान प्रदान। तो उन्होंने कहा कि वाह क्या विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता। उसने भगवान पर इतना विश्वास है कि उसने भगवान को पत्र लिख दिया कि भगवान उसकी मदद कर भी देगा, उसे इतनी उम्मीद है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए कि ताकि भगवान से उसका विश्वास ना डगमगाए, पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया, एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, कि भाई इस लेटर का हम जवाब देंगे। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, लेकिन जब उसने उसको खोलकर देखा, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट मीन्स होता है साक्ष्य, सबूत, यह एक साक्ष्य था, यह सबूत था, दैट टू आंसर इट नीडेड, कि जो आंसर उसने मांगा है, उसको ज़रूरत है, समथिंग मोर देन गुडविल, वो किसी की मतलब सहानुभूति या किसी की मदद की केवल आशा नहीं चाहिए, उसे मदद चाहिए, पैसे चाहिए उसे केवल मदद की आशा नहीं चाहिए थी, और ना ही कोई सहानुभूति चाहिए थी। इंक एंड पेपर, और स्याही और कागज़ से ज़्यादा कुछ और चीज़ की उसको ज़रूरत थी। बट ही स्टक, लेकिन टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह अपने रेजोल्यूशन पर अडिक था, क्योंकि अब पोस्टमास्टर ने डिसाइड कर लिया था कि लेटर का जवाब दिया जाएगा, तो उसने वह अपने रेजोल्यूशन में, अपने दृढ़ निश्वास पर, दृढ़ जो निश्चय, जो पक्का इरादा उन्हें किया था, फर्म डिसीजन, उस पर अडिक था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे मांगे अपने एम्प्लॉयज़ से, तो उसने कहा कि भाई लेटर का जवाब तो हम देंगे, तो उसने क्या करा, अपने एम्प्लॉयज़ से, जो उसके एम्प्लॉय थे, उसके कर्मचारी थे, उनने उनसे पैसे मांगे कि भाई सभी लोग जमा करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यहाँ तक कि उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई जो दोस्त थे ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, वो भी तैयार थे एक्ट ऑफ चैरिटी, एक दान का या पुण्य का काम करने के लिए, उन लोगों ने भी, वो भी तैयार थे पैसे देने के लिए और मदद करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, लेकिन फिर भी उसने कोशिश तो बहुत करी कि पैसा इकट्ठा करूँ, लेकिन वह केवल, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, लेकिन यह इम्पॉसिबल था फॉर हिम टू गैदर मीन्स होता कलेक्ट करना, कि वो इकट्ठा कर पाए, टुगेदर एक साथ 100 pesos इकट्ठा कर पाए, ये इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसीलिए वह उस किसान को जिसने ये लेटर लिखा था, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, वो केवल आधे से ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर पाया, उन्हें 100 मांगे थे, 150 से थोड़ा ऊपर कर लिए उसने इकट्ठा। ही पुट द मनी, उसने मनी को उस लिफाफे में डाला, इन द एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो को एड्रेस लिखा, का पत्र लिखा उन्होंने, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल लेटर, उसके अंदर एक लेटर भी डाल दिया जिसमें खाली एक सिंगल वर्ड लिखा था, गॉड, ताकि उसको ये लगे कि ये भगवान नहीं भेजा है, इसलिए उन्होंने उसके अंदर एक लेटर भी डाला जिसमें खाली उन्होंने गॉड लिखा। What or what did Lancho have faith in? So Lancho had faith in God that the God will help him and he would not let them die of hunger. तो Lancho को यही विश्वास था, भगवान में विश्वास था, और यही विश्वास था कि भगवान उन्हें मदद नहीं देगा और भगवान उसकी मदद करेगा। और उन्हें किया क्या था, what did he do? He wrote a letter to God asking for 100 pesos. उसने 100 pesos मांगे थे। Pesos क्या है? Pesos जो बार बार आ रहा है, ये एक तरीके से करेंसी लगा लीजिए आप, pesos जैसे रुपीज होता है, हर देश की करेंसी अलग अलग होती है, डॉलर होता है, पेजोस। हु रेड द लेटर, द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प द फार्मर एंड ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स एंड ही ऑल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग दे दिया था पोस्ट मास्टर ने। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया देन यूजुअल,
यूजुअल समय से पहले, सामान्य समय से पहले आ गया, ये पूछने के लिए, टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, ये एक पोस्टमैन था, हिमसेल्फ, जो वहाँ पर डाकिया था, हु हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको पत्र दिया, तो वहाँ पर पोस्टमैन था, पोस्टमैन ने लाकर उसको सीधे हाथ में लेटर दे दिया। तो लंचो अगली सुबह, अगले संडे को आया और पूछने के लिए, भाई आ गया मेरा लेटर, तो उन्हें पोस्टमैन वहाँ पर था, पोस्टमैन ने लाकर उसको लेटर दे दिया जो इसमें पैसे रखे थे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर सामने नहीं आया, पोस्ट मास्टर छिप कर दूर से एक्सपीरियंस कर रहा था, अनुभव कर रहा था, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था, हु परफॉर्म्ड, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अपने आप को मान रहा था जिसने एक परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा काम किया, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो दूर खड़ा होकर अपने ऑफिस से ये सब देख रहा था, उसको एक तरीके से सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि मैंने एक अच्छा काम किया और मैंने किसी की मदद करी। लंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेकिन लंचो ने जरा सा भी सरप्राइज, स्लाइटेस्ट में हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, सीइंग द मनी, जब उसने पैसा देखा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे गुस्सा आ गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उनने कहा भगवान कभी गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, माने इनकार करना, और ना ही वो उसको, लंचो को मना कर सकता है पैसे देने से, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की। इमीडिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो, तो लंचो तुरंत विंडो के पास गया डाकघर में, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उनने पेपर और इंक मांगा, आस्क फॉर मिस मांगना, आस्क फॉर मांगना होता है, पेपर और इंक मांगा, कागज और स्याही मांगी, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक जो सार्वजनिक सभी के लिए जो यूज करने वाली राइटिंग टेबल होती है, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने उस पर रख कर लिखना शुरू किया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकल का मतलब होता है झुर्रियाँ या लाइनें, और उसके ब्रो, ब्रोमिस उसका जो माथा था, फॉरहेड था, तो उस पर काफ़ी लकीरें पड़ रही थी, कॉज बाय द एफर्ट, क्योंकि वो बहुत परेशान था, कॉज बाय द एफर्ट, एफर्ट मतलब जो प्रयास कर रहा था, बट टू मेक टू एक्सप्रेस, कि वो क्या लिखे, हिज आइडिया, मतलब अपने आइडिया को लिखने के लिए, अपने जो विचार थे, जो मन के विचार थे, तो उसको क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ हो रहा था, इसीलिए उस परेशानी की वजह से उसके चेहरे पर कई सारे सिलवटें या लाइनें पड़ रही थी, मतलब चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वैन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म कर लिया लेटर, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, टू बाय स्टैम्प, उसने एक डाक टिकट खरीदा, एंड विच ही लिक, जिसे उसने लिक किया, मतलब उसने जीप से चाटा, एंड देन एफिक्स, और फिर उसको एफिक्स चिपका दिया, उसने उसको चिपका दिया डाक टिकट को टू द एनवलप, एनवलप पर चिपका दिया विद अ ब्लो, और उसके बाद उसके ऊपर विद अ ब्लो, ब्लो माने होता है एक मुट्ठी बनाकर उस अपने फिस्ट माने मुट्ठी से उस पर प्रहार किए, मतलब उसे चिपकाने की कोशिश की, उसे मारा उसके ऊपर से, द मोमेंट, ताकि वो जो डाक टिकट है सही से चिपक जाए, द मोमेंट द लेटर, और फिर अगले पल उनने जो लेटर था वो उन्हें मेल बॉक्स में डाल दिया, और द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर ने उसे खोला, इट सेड, इसमें लिखा था गॉड ऑफ मनी, तो उसमें जो तो पोस्ट मास्टर गया बाद में, जब वो चला गया वहाँ से, तो उसने देखा कि लेटर में लिखा क्या है, तो उन्हें जब देखा तो गॉड ऑफ मनी, गॉड जो मैंने पैसे के बारे में मैंने लिखा था आपको, दैट आई आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेजेस, तो लंचो ने इस लेटर में देखिए क्या लिखा है, गॉड ऑफ द मनी, जिस पैसे के बारे में मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपसे मांगा था, केवल 70 पेजेस ही रीच्ड मी, मेरे पास पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा मेरे पास भेज देना, क्योंकि 70 से उसमें 30 तो थे नहीं, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इस पैसे को थ्रू द मेल, मतलब डाक से मत भेजना, पत्र के माध्यम से मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो अ बंच ऑफ क्रुक, क्रुक का मतलब था ठग, डिसऑनेस्ट पीपल, तो ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये ठग का समूह है, ग्रुप है, लंचो, तो देखिए जिन लोगों ने मदद करी उन्हीं को उसने लास्ट में कह दिया बंच ऑफ क्रुक्स, मतलब ठगों का समूह, उन्हीं लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के ही लोगों ने उसकी मदद करी, उसने उन लोगों ने अपनी अपनी सैलरी का एक एक भाग दे दिया, और यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर ने भी पैसे दिए और उसकी मदद के लिए, और लास्ट में जब उसने उसे पत्र मिला तो उसने देखा कि उसमें 100 पेजेस मांगे थे, केवल 70 ही थे, तो 30 तो थे नहीं, उसे लगा कि शायद कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसमें से 30 पेजेस चुरा लिए हैं, इसलिए उसने उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स कहा। तो अगर देखें तो लंचो को बहुत ही ज़्यादा
फर्म फेथ था भगवान पर, लेकिन वह अपने इस विश्वास में इतना अंधा हो गया कि वह दूसरों की अच्छाई तक नहीं देख सका। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर, क्या लेंचो सरप्राइज था लेटर को फाइंड करके? नहीं था। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट बिकॉज ही हैड डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पर इतना विश्वास था, उसको यही लग रहा था कि मानो कि भगवान ने ही भेजा होगा। लेंचो सरप्राइज नहीं हुआ जब उन्हें जब उसे लेटर मिला कि भाई मैंने भगवान को पत्र लिखा और भगवान ने जवाब भी दे दिया। व्हाट मेड हिम एंग्री, किस चीज़ ने उसे एंग्री किया? व्हेन लेंचो ओपन्ड द लेटर एंड ही काउंटेड मनी, ही फाउंड दैट देयर वर ओनली 70 pages व्हाइल ही डिमांडेड 100 pages। तो लेंचो को इस बात में गुस्सा आया कि उसने 100 pages मांगे थे, 70 ही पहुँचे, 30 गायब हो गए, और ही सस्पेक्टेड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैड स्टोलन द मनी। तो उसको ये लगा कि शायद पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने पैसे चुरा लिए हैं। तो इसी के साथ ये मीनिंग्स खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस वीडियो। तो आप इसको जरूरी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट।